2 दिनों से भारी बारिश के चलते बकलोह क्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल घटासनी के ब्रेस्ट बॉल गिरने के कारण स्कूल और साथ में लगता भीमसिंह गुरुंज की जी का घर को खतरा पैदा हो गया है। जैसे ही सुबह स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील चाणक को पता चला तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते अपने विभाग और ककीरा के नायब तहसीलदार राहुल धीमान को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह का मुआयना किया। नायब तहसीलदार राहुल दीवान के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल के बारिश के कारण स्कूल के लिए एक बड़ा तिरपाल दिया गया ताकि ब्रेस्ट बॉल को बचाया जा सके, क्योंकि ब्रेस्ट बॉल से स्कूल के बिल्डिंग के बीच की दूरी मात्र 5 फुट की ही रह गई थी, जिससे स्कूल के पूरी बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया था, जिसके लिए उन्होंने एक तिरपाल जो है प्रशासन की ओर से ब्रेस्ट बॉल को बचाने के लिए फौरी राहत के रूप में दिया। इसके साथ इसकी रिपोर्ट SDM भटियात और DC चंबा को दे दी गई है। वहीं नायब तहसीलदार राहुल धीमान के द्वारा स्कूल प्रशासन को ऊपर से जो बरसात का पानी स्कूल की ओर आ रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए पानी को स्कूल के पीछे से डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं इसकी सूचना SDM भटियात को दी गई है। उसके साथ ही प्रधानाचार्य सुनील चाणक के द्वारा भी इसकी सूचना डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन प्यार सिंह चाणक चंबा को दे दी गई है। वहीं जब इस बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जिसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां पर भी इस तरह की आपदा की घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सकती है। हिमाचल प्रेस के चंबा से भूषण गुरुंज की रिपोर्ट। अभी हमारे सामने भटियात के तेज चरार नेता श्री कुलदीप सिंह पठानिया एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ये जानना चाहते हैं सर कि गत दिनों 2 दिन की भारी बारिश के कारण घटासनी स्कूल के रिटर्निंग वाल गिरने से काफी खतरा पैदा हो गया, सर उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप? मैंने जैसे अभी कहा कि भारी बरसात की वजह से चाहे वो कोई सरकारी संपत्ति है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ भी भारी बरसात की वजह से कोई भी नुकसान होगा उसको स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, SDM साहब हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, सब तहसील है, 2 तहसीलें हैं, फिर रेवेन्यू के जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं वो इमीडिएटली स्पॉट इंस्पेक्शन कर जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो जिला स्तर पर देंगे। और फौरी तौर पर जिलाधीश महोदय को हमने कहा है कि जहाँ भी ऐसा कोई नुकसान, चाहे वो सरकारी संपत्ति है चाहे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ भी हुआ होगा या होगा उसके उसका जो है पूरी इमदाद सरकार और प्रशासन हम करेंगे। जो घटासनी के स्कूल का जिक्र आप कर रहे हैं वो सूचना मुझे मिल चुकी है और उस जो सूचना मुझे मिली हमने जो है जिलाधीश महोदय और SDM साहब और रेवेन्यू ऑफिशियल्स को सबको जो है ये कहा है कि बहुत जल्दी से जो है उसके ऊपर जो रिटेनिंग वॉल है उसका एस्टीमेट बनाकर और जैसे ही मौसम ठीक होता है उसका हम काम करेंगे और ताकि स्कूल की उस बिल्डिंग को बचाया जा सके। धन्यवाद। फौरी तौर पर वहाँ पर जो है तिरपाल वगैरह की व्यवस्था कर दी है ताकि बरसात हो तो और अधिक नुकसान न हो, और ऐसी व्यवस्था हर चुनाव क्षेत्र के हर गांव में जो है हमने की है और भारी बरसात जहां भी होती है वहां की जानकारी स्थानीय स्तर पर पटवारी और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जो है ब्लॉक स्तर पर और SDM के स्तर पर वो उपलब्ध होती है और सूचना मुझ तक आती है। जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर जो भी उसमें करने को जरूरी होता है वो किया जा रहा है और करेंगे भी। धन्यवाद सर।